माशाला टिक्कियां दी कुछ इस तरह की लुक आई और माशाला काफ़ी ही मज़ेदार लग रही ने और हमी खाने जी रोटियां रोटी के नाल इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। तो मैं वैसे चेक की टिक्की बहुत ही मज़े की है। गुड मॉर्निंग जी, सुबह सुबह का टाइम और ठंडी हवा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल हसीब रशीद। तुम वेखते पे हो यूट्यूब चैनल पंजाबी मुंडा अब्दुल हसीब। जल्दी तो साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर दो, वीडियो में लाइक कर दो। तो शुरू कर दें जी अज की मज़ेदार वीडियो। तो मैं घर फारक ही बैठा सी, थोड़ा जहा टाइम से स्कूल जाने से नाश्ता करना घर जाके, यानी कि बजट तो इजाफी थोड़ा जहा टाइम से। तो मैं चलो यार वर्कशॉप कर लें, बस इतों यानी कि चक्कर काट दें एक और काफ़ी लंबा चक्कर है, फिर इंशाल्लाह घर की तरफ। भाई सुबह मेरे ख्याल से कुत्तियां दे कोई फड्डे पै गए ने, मुखालिफ पार्टियां ने एक है ते बाकी और रिक्शे दे पीछे जा रहे ने कुत्ते। लग रहा जिसा बंदा सुबह सुबह सर्दियों से नहीं फिर रहा होता, ठंडी हवा चल रही है काफ़ी, ते लोगों ने चादर लैनिया शुरू कर दी ने। जी तो अपना नाश्ता वगैरह मैं कर लिता है और हूँ ही बारी आती जी स्कूल जाने की, तो जल्दी तो तैयार होंगे और तुहाड़े तो मिलते हैं जी स्कूल तो आने तो बाद। वेलकम बैक हो गया जी, तो स्कूल तो अपनी वापसी हो गई है और अपना खाना वगैरह भी खा लिया है, तो हूँ ही तैयारी कर लगे जी रात के खाने की। तो दोपहर के खाने जी असी खाने जी नान, तले हुए नान, यानी कि कुछ बनया नहीं है आंडी वगैरह। तो हूँ ही जा रहे हैं जी असी आलू लैन और धनिया लेना, धनिया और मिर्चा। तो अब्दुल वहाब नाल सलाम कर लो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सलाम तो मैंने किया, आपने जवाब देना। वालेकुम सलाम। तो जी खैर असं जा रहे हैं जी आलू लैन, मिर्चा लैनिया ने और बनाने ने जी आलू वाले परांठे या फिर टिक्कियां आलू वाले, तो फाइनल नहीं पता उन्हें की बनाने। ऐ कोई गैस जा रही है, आलू जी ले लेने और अगो लैनी ने मिर्चा और तो नहीं कुछ लेना, धनिया और मिर्चा अगो लैनी ने, धनिया भी ले लिता, मिर्चा भी ले लिया ने और नींबू लेने ने। नींबू मैनू याद ही नहीं सी, अब्दुल वहाब नू याद ने। खैर अज अब्दुल वहाब भी शॉपिंग कर रहा सारी। तो जी अपनी सब्जियां वगैरह पूरी हो गई ने, सब्जियां नहीं सिर्फ आलू धनिया टमाटर सॉरी नींबू और मिर्चा। ए हवा दम हवा चलनी शुरू हो गई और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, हल्के हल्के जो बदल आ रहे ने, कल भी काफ़ी देर बदल वगैरह छाए रहे ने लेकिन बारिश नहीं हुई। हाँ जी रात और सुबह टाइम जैसे मैं तुम्हें सुबह टाइम ही दसिया काफ़ी ज़्यादा ठंड है और रात में भी सर्दी होनी शुरू हो गई है। जाहिर जी गल है अक्तूबर शुरू हो गया और अगे यानी सर्दियों वाले महीने आ गए। इंसान की फितरत है जी, ना ज़्यादा सर्दियाँ इंसान को बर्दाश्त होंदिया ने फिर गर्मियों का इंतजार होंदा है और जो ज़्यादा गर्मियाँ शदीद आ जाए फिर सर्दियों का इंतजार होंदा है। कुकर से जी आलू उबल रहे हैं और थोड़ी देर च उबल जाएंगे और फिर टिक्कियां का मसाला बनाया जाएगा। तो फैसला यही होया है कि टिक्कियां बनाई जाएंगी। इतने जी अपनी चिड़िया धनिया मैं पाया वो खा रही ने। अब्दुल वहाब ने इकट्ठा किया, एक साइड तो उन्हें सही इकट्ठी कर दी लेकिन यह वाला पर्दा इकट्ठे करते करते नीचे फेंक दिता। तो हूँ मैं उत्ते ले आया वहाँ पर्दा और हूँ ही चलते जी असं नमाज़ पढ़ के आने असर दी और फिर आके जी टिक्कियां की तैयारी करते हैं।
थे जी अपने जवान वॉलीबॉल खेल रहे ने। थे खड़े होकर मैच देख नहीं सकते घर तक, एक तो काम ने स्कूल का थोड़ा जहा मैं काम कर रहा हूँ अपना, और बाकी देखते हैं काम वगैरह है ने खत्म भी करने ने जल्दी। अब्दुल बाप अपना होमवर्क कर रहे और फजल शरारता कर रही अपनी अपनी कॉपियाँ पेंसिल पढ़ने वास्ते लिया ने इन्हें और खेलने लग गई। क्या हुआ है गिर रहा है इधर लाओ, क्या है इसको मसला? अच्छा जी फजल दिया कापियां चेक करो और क्या क्या है। वाओ इतना कुछ पेंसिल पेन पॉइंटर वाओ, और अपना रुमाल भी नाल रखा हुआ है। नोजी वगैरह आ जाए ना तो फिर ऐसे करके कैसे नोजी साफ करते हैं ऐसे रख दो बीच में को देखना जल्दी 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 सिर दो सिर दो ऐसे अच्छे अच्छे बस जिप लगा दो अब जल्दी से जिप बंद कर दो इसकी जिप नहीं है ये लो चलो आप दिखाओ अपना बैग पीछे से। वाह फजर फजर दे बैग की जिप खराब हो गई है तो मैं क्या जिप लगा लो तो कहती है खराब हो गई है कोई नहीं ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह। आलू जी मैं उतर ही ले आया मैं क्या चलो जरा हवा से बैठ के छिलते हैं आलू सारे नो और फिर इन्होंने छिलने तो बाद मसाला बनावेंगे। आलू बहुत ज़्यादा गर्म है अल्हम्दुलिल्लाह जी आलू अपने सारे मैं छिल लेते हैं और हम चलते हैं जी नीचे और इन्हों का मसाला बनाने हैं जी। उत्ते तो मैं इस करके आया सी कि हवा चल रही है और नीचे रोशनी भी नहीं है तो इतने फजर भी आ गया तो अब्दुल बाप अपना स्कूल का काम कर रहा और फजर मट्टी च लगी हुई है इनू इन्नी बारी मना किया लेकिन फिर आके मट्टी च लग जाती है। वह आप जरा फजर का ख्याल रखना दो। अभी फजर भी ना गुस्से च है काफी ज्यादा टिक्की मजे की लगी है लगता है हाँ थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही है चेहरे पे। बता दो कैसी बनी है तू? क्यों फिर टिक्की खा क्यों रही हो? माशाल्लाह टिक्कियां दी कुछ इस तरह दी लुक आई और माशाल्लाह काफ़ी ही मज़ेदार लग रही ने और हूँ ही खाने जी रोटियां दे नाल रोटी दे नाल इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। तो मैं वैसे चेक की थी टिक्की बहुत ही मज़े दी है जी तो टिक्कियां वगैरह अपनी बन गई ने और हूँ ही मैं थोड़ी जी चेक कर लिया और टिक्की काफ़ी मज़ेदार बनी है। तो खैर जी अगर लाग कर दें तो खत्म जी वीडियो पसंद आई जल्दी तो वीडियो में लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस अलावा जरा सू इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।